सफर की बारिश, सफर की धूप, सफर की हवाएं, सड़क की खामोशी, चहल पहल, अंधेरे की उदासी, रोशनी की आशाएं, सफर के बीते हुए दिन जब कभी भी याद होने को आए, ऐ मालिक उससे पहले हम किसी और सफर पे आगे बढ़ जाएं। काशी, बनारस, वाराणसी। इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूंगा हमारे दुर्गापुर से लेकर बनारस तक की ट्रेन जर्नी। तो शुरू करें। हमारा ट्रेन था रात के 11:30 बजे दुर्गापुर रेलवे स्टेशन से दून एक्सप्रेस। तो हम लोग 2 घंटे की बस सफर करके पहुंच गए दुर्गापुर रेलवे स्टेशन। 2 घंटे के बस सफर के बाद हम लोगों को लग रही थी दबा के भूख। पहले हम लोग खा लिए मोमो, उसके बाद तड़का और रोटी। बैठा हुआ दुर्गापुर रेलवे स्टेशन। हम लोग जा रहे हैं बनारस, 3 दोस्त मिलकर हम लोग जा रहे हैं। आगे का सफर मैं आपको दिखाऊंगा। अभी रात हो गई है तो रात को वीडियो अच्छी तरीके से आएगा भी नहीं और आपको पता भी नहीं चलेगा अच्छी तरीके से। तो आगे का वीडियो हम लोग बाद में कंटिन्यू करते हैं। तो अभी चलिए सफर को शुरू करते हैं। बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है। अब है जो है वो समा है, तुम रह सके तो रबा है। अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जीत। अब चाहे जिंदगी ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी है। सुबह के करीब 8:30 बजे हम लोग पहुँच गए थे दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन, यानी कि मुगल सराय। यहाँ से बनारस करीब 40 मिनट का रास्ता था। तो हम लोगों ने कुछ खाने के लिए लिया और फिर से ट्रेन पे चढ़ के बैठ गए। बहकी सभी जुबां है, हम हैं हजारों में, अब की कमी जरा है, हर चीज खास है। अब है जो है वो समा है, तुम रह सके तो रबा है। अब है जो है वो समा है, तुम रह सके ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी ऐसी जीत, अब चाहे जिंदगी है। ट्रेन से गंगा मैया को क्रॉस करके हम लोग पहुंच गए काशी रेलवे स्टेशन। काशी रेलवे स्टेशन से बनारस की दूरी महज 4 किलोमीटर। ओवरनाइट जर्नी करके हम लोग 9:30 बजे पहुंच गए बनारस रेलवे स्टेशन। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। दिस सोमवार मैं और आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल सर्विस। तो फाइनली भाई लोग हम लोग पहुंच चुके हैं बनारस रेलवे स्टेशन। पिछले एक साल पहले शायद वीडियो आया था पूरी वाला ब्लॉग। अभी दूसरा अभी बनारस वाला होने वाला है। ये देखिए सामने स्टेशन, अभी आधा काम तो हो चुका है, अभी बाकी आधा काम बाकी है। हम लोग को जाकर होटल वगैरह ढूंढना पड़ेगा।
बनारस तक तो पहुंच चुके अभी, अब चलते हैं होटल की तरफ और देखते हैं सस्ता टिकाऊ अच्छा सा कोई आसिया ढूंढना पड़ेगा। और एक चीज़ आप लोगों को बता देता हूँ, अगर आपको बनारस तक की डायरेक्ट ट्रेन नहीं मिल रही है तो आप दीनदयाल उपाध्याय यानी कि मुगल सराय DDU पे भी उतर सकते हो। वहाँ पे उतर के आपको बस एक ऑटो वगैरह वहाँ से करना पड़ेगा और आप डायरेक्ट पहुँच जाओगे बनारस। अब आप बनारस स्टेशन से बाहर निकल के आपको बहुत सारे ऑटो वगैरह मिल जाएगा, जिसको लेके आपको पहुँचना पड़ेगा गदौलिया चौक। उस गदौलिया चौक के आसपास ही सारे घाट्स वगैरह है, आप चाहे तो अगर आप चाहे तो पहले से बुक करके आ सकते हो होटल वगैरह का, अगर आपके बजट में आ जाए तो। हम लोग तो बुक करके नहीं आए अभी, हम लोग जाएंगे गदौलिया चौक और जाकर देखते हैं होटल वगैरह ढूंढेंगे और आपको भी दिखाएंगे। तो साथ में बन रहिए और देखते रहिए। भीड़ देख लो एक बार यहाँ का, लोगों के अंदर एक अजीब सा हलचल मचा हुआ है चारों तरफ। अभी होटल ढूंढना है, आधा काम तो पूरा हो चुका है बनारस पहुंचना, अभी और आधा काम बाकी है, अभी होटल ढूंढना है, खुद के लिए एक आसियाना ढूंढना है। तो देखते हैं कहाँ पे होटल वगैरह मिलता है अच्छा वाला कुछ, और आपको भी दिखाते हैं। तो भाई हम लोग पहुंच गए हमारे होटल के अंदर, होटल का नाम अभी पता नहीं, आपको बाद में दिखा दूंगा। होटल का पूरा फुल वीडियो आपको एक डाल दूंगा होटल का। अभी आपको रूम दिखा देता हूँ एक बार, ऐसा कुछ है हमारा रूम, ठीक है यार, बहुत बहुत बड़ा भी नहीं है और एकदम छोटा भी नहीं है, मतलब रूम मिल नहीं रहा था ऐसे हम लोग बजट के अंदर। हम लोग बजट के अंदर ढूंढ रहे थे रूम, तो हमको ये वाला होटल मिल गया 700 पर डे हिसाब से लग रहा है, 700 हम लोगों का 3 दिन का 2100 रुपया लग रहा है। यहाँ पे कूलर है, फैन है, बेड है, 3 बंदे के लिए मोर देन एनाफ है, ठीक है। होटल का एक वीडियो बना के मैं आपके लिए डाल दूंगा, वहाँ पे आप अच्छे तरीके से जान लेना, कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह सब कुछ मैं शेयर कर दूंगा होटल के बारे में। तो अभी कोई प्लान ऐसा कुछ है नहीं, अभी हम लोग जाएंगे बाहर घूमने के लिए जा रहे हैं, देखते हैं क्या क्या घूमते हैं, क्या क्या दिखते हैं और आपको भी दिखाएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ, वीडियो को आगे कंटिन्यू करते हैं, कहाँ कहाँ जाएंगे देखते हैं।